हे गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। तो आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग अपडेट के बारे में, जो कि है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटिव। आगरा में मॉर्निंग में सुबह से बारिश पड़ रही है और ऐसे मौसम में वीडियो बनाने में लिटरली मजा आ जाता है। तो आज का जो ब्रेकिंग अपडेट है आप सबको हिला डालेगा, तो पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको डिटेल टू डिटेल पता चले और हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं जियान कार्लो डेस्पोटो, जो कि इटालियन और अमेरिकन एक्टर है, जो कि गेम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं फायरक्रा में, और उसी के साथ कह सकते हो स्टार वॉर्स यूनिवर्स में भी है वो, और भी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज में उन्होंने काम करा है। और अब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। उन्होंने खुद ऑफिशियली कंफर्म करा है कि वो क्या प्ले करना चाहते हैं और उनको कौन कौन से रोल ऑफर हुए हैं, तो हर चीज के बारे में बात करेंगे। तो जियान कार्लो काफी कमाल के तो एक्टर हैं, ये आप सभी जानते हैं, और उन्होंने जब ये एक इवेंट के दौरान ये चीजें कन्फर्म कर दी तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तो जियान कार्लो ने अभी हाल ही में इवेंट में ये दौरान में रिवील करा कि वो कुछ कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि वो मार्वल स्टूडियो से मीट करा और मार्वल स्टूडियो उन्होंने कम से कम 3 रोल ऑफर करे, ठीक है, जिसमें कि मैग्नेटो का था, जो कि बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है एक्समैन यूनिवर्स का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा है तो सभी फैंस के मन में यही था कि भाई जितने भी फॉक्स के कैरेक्टर है वो रिकास्ट करे ना जाए, पर मार्वल स्टूडियो में ऑलरेडी अब मल्टीवर्स चल रहा है फेज 4, 5, 6 में, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कैरेक्टर को अगर वो कास्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीवर्स है, चलेगा, मजा आएगा देखने में जब सब एक साथ असेंबल होंगे, और जब 2 आयरन मैन 3 आयरन मैन एक साथ देखने को मिलेंगे तो आपको सोचो कितना ज्यादा मजा आएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज में इतना ज्यादा मजा नहीं आया जितना अदर कैरेक्टर में मजा आएगा। और उसी के साथ जियान कार्लो ने बताया कि मेरी मार्वल स्टूडियो के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें कि उन्हें कुछ रोल ऑफर करे गए थे। तो डीसी की तरफ से तो डॉक्टर फ्रीज, जो कि बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, जो कि अपकमिंग बैटमैन 2 यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन की जो अपकमिंग मूवी आ रही है उसमें उनको रोल प्ले करने के लिए मौका मिला है। और उसी के साथ मार्वल की बात करी जाए तो उनको 2 कैरेक्टर रोल प्ले करने का ऑफर मिला है, जिसमें कि है डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर डूम, जो कि अपकमिंग वाकांडा फॉरएवर में तो आ ही रहा है, ठीक है, क्या पता वो ये हो सकते, कोई आइडिया नहीं है। और एक है दूसरा कैरेक्टर एक्समैन का, जो कि है मैग्नेटो, वो तो बहुत ही कमाल का विलेन है। और देन अगर ये जियान कार्लो इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो समझ लो कि क्या होने वाला है। पर फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट जताया है प्रोफेसर एक्स के लिए, जी हाँ, जो व्हीलचेयर पे चलते हैं, और उनको वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि शायद वो डॉक्टर डूम का प्ले नहीं कर रहे हैं, मैग्नेटो को भी प्ले नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर फ्रीज का वो डीसी यूनिवर्स में प्ले कर सकते हैं या नहीं ये कन्फर्म नहीं है अभी, पर हाँ जिस हिसाब से उन्होंने अपने स्टाइल में बोला है वो शायद प्रोफेसर एक्स का प्ले कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखिए। Oh my. There has been talk of, who else are they talking about over there? Doom. Victor Von Doom. Doom. Yeah. And there is Professor X. Don't do this to us. Pick one. Pick one. I'm going to go for something that is a little bit different. Ooh. I'm going to go and put it out in the universe that it is प्रोफेसर। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, मुझे लगता है कि शायद प्रोफेसर एक्स का प्ले कर सकते हैं। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।